सिख साहब यानी हरप्रीत सिंह जी उस संगतां नूं अज के मुबारक दिहाड़े ते जिथे वधाइयां देणगे जो श्री अकाल तख्त साहब वालों अपना संदेश भी सिख संगतां दे नाम देणगे। सिख साहब यानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब बोले सो निहाल। जुग जुग अटल लोक परलोक दे राखे चवर छतर तखत दे मालक दो जहान दे वाले निमाणियां दे मान निताणियां दे तान धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दी पावन पवित्र हजूरी सिख पंथ दे महान ते पावन पवित्र अस्थान तखत श्री केसगढ़ साहिब विखे सुशोभित समूह गुरु खालसा पंथ अते नानक नाम लेवा हाजरीन सिख संगत सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़िया सत्कारत हस्तियां होले महल्ले दे इस समागम दे विच शमूलियत कर रही ने। मैं सब तो पहला विश्व भर दे विच बैठे समूह गुरु खालसा पंथ नूं समूह नानक नाम लेवा सिख संगत नूं इस मान मते सिखां दे पर्व होले महल्ले दी बधाई देना। सिख धर्म दे विच धर्म ते राजनीति दा सुमेल है और ये गल असीं सारे ही जानते हैं। जिथे मीरी है उत्थे पीरी है, जिथे देग है उत्थे तेग है, जिथे संत है उत्थे सिपाही है और ये गल भी सारी असी प्रवान करते हैं, मनते हैं, चाहते हैं कि राजनीति जिहड़ी है ये धर्म ते हावी नहीं होनी चाहिए बल्कि धर्म जिहड़ा है वो राजनीति ते हावी होना चाहिए। इस गल विच कोई शक नहीं साध संगत जी। राजनीति का जिथे धर्म दे नाल संबंध है उत्थे अर्थचारे नाल भी संबंध है। राजनीति नूं अर्थचारा प्रभावित करता है और अर्थचारे नूं राजनीति प्रभावित करती है। जदों राजनीति साडे अर्थचारे ते भारू हो जाती है उदों भी समाज का नुकसान हुंदा है। राजनीति का समाज नाल बहुत गहरा रिश्ता है। जदों राजनीति समाज के उत्ते भारी पै जाती है, हावी हो जाती है, उदों समाज का बहुत वड्डा नुकसान हुंदा है। अज असीं देखदे ही हां एजुकेशनिस्ट ने साडे विद्वान ने जिहड़े विद्या दे माहर ने जां साडा जिहड़ा एजुकेशन सिस्टम है जदों इहदे ते राजनीति हावी हो जाती है समाज का नुकसान करती है। लेकिन जदों साडी विद्या प्रणाली राजनीति ते हावी होंदी है समाज का भला हुंदा है। साडे डॉक्टरी पेशेवर माहर ने जदों राजनीति इन्हां ते हावी हो जाती है समाज का नुकसान हुंदा है। ते जदों साडे मैडिकल माहर जां मैडिकली विद्या जिहड़ी है ये राजनीति ते हावी हुंदी है ते समाज का भला हुंदा है। मीडिया दे उत्ते राजनीति भारू हो जाती है फिर भी समाज का नुकसान हुंदा है। मुकदी गल की है कि राजनीति चाहे धर्म ते हावी होवे, चाहे मीडिया ते हावी होवे, चाहे विद्या संस्थावां ते हावी होवे, चाहे मैडिकल संस्थावां ते हावी होवे, समाज का नुकसान ही नुकसान करती है। अज जिहड़ी हिंदुस्तान की हालत पतली पाई पई है इहदा इक्को ही कारण है कि राजनीति हिंदुस्तान की हर संस्था के उत्ते हावी हो गई है। चाहे वह अदालतां ने, चाहे वह प्रेस है, चाहे वह ब्यूरोक्रेट्स ने, चाहे कोई भी अदारा है, चाहे वो चोण कमीशन है, कोई भी है, उहदे उत्ते राजनीति जिहड़ी है वो इस कदर हावी हो गई है कि समाज का कचूंबर जिहड़ा है वो कढ़ के रख दिता है और निकल रहा है। पर असीं केवल इन्ना ही जानते हैं कि जो धर्म ते राजनीति हावी होंदी है उदों शायद समाज का नुकसान होंदा है। नहीं साध संगत जी, जो राजनीति धर्म ते हावी होंदी है केवल उदों ही समाज का नुकसान नहीं होंदा। राजनीति जिहड़ी भी संस्था के उत्ते हावी हो जाती है उस संस्था का एक चुंबर कढ़ के रख दिंदी है। चाहीदा यह है कि जिवें धर्म राजनीति ते हावी रहे उवें समाज भी राजनीति ते हावी रहे, साडा अर्थचारा भी जिहड़ा है राजनीति ते हावी रहे, फिर समाज का जिहड़ा है वह भला हुंदा है। अज डेमोक्रेसी दे अंदर साडी हर संस्था, मैं सिखां दी संस्था की गल नहीं करदा, मैं देश दीयां भारत दीयां संस्थावां की गल करदा। सारियां संस्थावां का दुआला जिहड़ा है वह निकल चुकिया, लोग तराह तराह कर रहे हैं लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पै रहा। ऐसी पोजीशन दे विच धर्म नूं मजबूत करन दी बहुत वड्डी जरूरत है, धार्मिक संस्थावां नूं मजबूत करन दी वड्डी जरूरत है, क्योंकि धर्म ही आसरा बनदा है, धर्म ही सहारा बनदा है। जदों हुकूमत जाबर जुल्म करन वाली बन जाए तो फिर हुकूमत दे जुल्म दा मुकाबला, जबर दा मुकाबला धर्म के सहित किया जा सकता है। किसी नास्तिक विचार के नाल हुकूमती जबर का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये गल सानू चेते रखनी चाहिए है। इस करके हर सिख नूं अज वधेरे धर्मी होने की जरूरत है। जे असी बचना है, जे असी जीना है तो सानू गुरु का साथ जिहड़ा है वह लेना ही पएगा। नहीं तो जिस तरह का भारत के अंदर माहौल बनाया जा रहा है, मैं बाकी घट गिणतियां दे सहित मैं सिखां दी भी गल करां कि साडा जीना उस हालत दे विच ही बेहतर हो सकता है जिस किस्म का माहौल बन रहा है। जे असी गुरु का पल्ला फड़ लईए, गुरु का आसरा लै लईए, गुरु का सहारा लै लईए, फिर ही असी बच सकते हैं। जे असी गुरु तो दूर हो गए, गुरु तो टुट गए तो हिंदुस्तान के अंदर सिस्टम ऐसा बन रहा है कि साडी होंद जिहड़ी है ये खतरे दे विच पैण जा रही है। अज गुरु नूं अंग संग रखण दी वधेरे गिणती दे विच लोड़ है। असीं देखदे हां किसान अंदोलन चलिया, नौजवान जज्बाती होए, लाल किले दे विच चले गए। लाल किले च जाके कोई नौजवानों ने गुनाह नहीं करता, कोई बजर पाप नहीं करता, लेकिन इस तरह का हालात, इस तरह का माहौल बनाया गया कि जिवें लाल किले के उत्ते पहुंचण वाले ते केसरी निशान चढ़ाउण वाले बहुत वड्डे महा अपराधी हुंदे आ, पापी हुंदे आ। सरकार ने धड़ाधड़ झूठे परचे दर्ज करके उन्हां नौजवानों नूं अंदर धक्कना जिहड़ा प्रारंभ कर दिता। सैकड़ियां की गिणती दे विच नौजवान जिहड़े साडे जेलां दे विच बंद कर दिते गए ते बाह नहीं किसी ने फड़ी। जिन्हां ने जोशीले नारे मारे उन्हां विचों भी किसी ने बाह नहीं फड़ी ते जे बाह फड़ी ते साडी संस्था दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फड़ी। सैकड़े नौजवानों नूं जेल दे विचों बाहर कढ़ा के लियांदा। इस करके अज बहुत वड्डा सानू सोचण ते समझण दी जरूरत है। जे साडियां संस्थावां मजबूत होणगियां ते साडी राखी करनगियां, पर संस्थावां नूं मजबूत करन वास्ते सानू इन्हां दी राखी करनी पएगी, इन्हां दी पहरेदारी करनी पएगी। असी संस्थावां दी पहरेदारी करनी है, फिर संस्थावां साडी पहरेदारी करनगियां। असी एक दूसरे दे पूरक बनना है। मैं एक बारी फिर होले महल्ले दियां आप सारियां संगतां नूं बहुत बहुत बधाई देना। इत्थे मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जी मुख ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी सुशोभित ने। मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी गौरे मस्कीन जथेदार तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना साहिब सुशोभित ने, और मानयोग सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह जी जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहब। मैं सारी संगत सहित इन्हां सत्कारत शख्सियतां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा। एक बारी फिर होले महल्ले दियां समूह गुरु खालसा पंथ नूं बहुत 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 बधाइयां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।